पिछले कुछ समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा अवैध खनन माफिया पूरी तरह से पुलिस के रडार पर आ चुका है। अवैध खनन की गतिविधियों को बंद करने के लिए ऊना जिला पुलिस ने हाईवे और मुख्य रास्तों के बाद अब प्रदेश से बाहर जाने वाले चोर रास्तों पर भी पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर पुलिस ने खनन माफिया की कमर तोड़ने पर काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब पुलिस विभाग ने अवैध खनन के मामले सामने आने पर केवल मात्र चालान की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि अवैध खनन की गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना भी शुरू कर दिया है। डीजीपी के निर्देश के बाद जिला पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ डीआईजी स्तर के अधिकारी भी इस पूरे काम में पुलिस जवानों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। देखिए माइनिंग के ऊपर काफी सख्ती जो है यहाँ पे जिला ऊना में बरती जा रही है। सरकार और डीजीपी साहब के निर्देश अनुसार हमने अलग अलग जगहों पे हॉटस्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जहाँ पे ज्यादा माइनिंग, चाहे वो रेते की माइनिंग हो या फिर बजरी की ओवरलोडिंग और एक्सेस बजरी ले जाने का, ओवरलोड व्हीकल ले जाने का मामला हो, उन सभी पे हमने पहले हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। और साथ ही साथ वहाँ से जो चोर रस्ते निकलते हैं, क्योंकि हाईवे पे अक्सर ये बड़े ट्रक्स, टिप्पर, ट्रैक्टर इत्यादि जो हैं कम आते हैं, पर चोर रस्तों से होते हुए पंजाब की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो हमने आइडेंटिफाई किए रस्ते और वहाँ पे हमने एडिशनल फोर्स जो है नाकाबंदी के रूप में जो है लगा रखी है। कुछ जगहों पे हमारी ऑलरेडी नाके चले हुए हैं और बाकी जगहों पे हम जो है रोटेशन में सरप्राइज नाके जो है लगाते रहे हैं और उसका एक पॉजिटिव असर जिला भर में देखने को मिला है। ओवरलोडेड टिप्पर्स में भी कमी आई है और जो इलीगल माइनिंग स्वा नदी और उसकी अन्य ट्रिब्यूटरी से रेता उठाने का जो काम करते थे उनमें भी कमी आई है। ये सही बात है कि ये पूरी तरह 100% जो है रुका नहीं है, बट इसमें भारी कमी जरूर देखने में आई है। हम नाकों की जगह लोकेशन जो है वो और चेंज करने की भी कोशिश करेंगे ताकि जो लोगों ने नया रास्ते अपना लिए, क्योंकि पुलिस की वहाँ प्रेजेंस है, उसमें भी अंकुश लगाया जा सके। संतोषगढ़ एरिया, हरोली, गगरेट, ये हमारा खासकर और कुछ पोर्शन जो है हमारे मैथपुर का, ये ज़्यादा वनरेबल है माइनिंग के प्रति, तो वहाँ पर हमारा स्पेशल फोकस है। हाल ही में 2-3 दिन पहले डीआईजी साहब ने भी गगरेट एरिया विजिट किया था, वहाँ पे भी उन्होंने निर्देश दिए हमको कि हम जो है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और एक पुलिस टीम जो है हमारी दौलतपुर चौकी के आसपास भी लगातार तैनात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।